हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टफ कुलचा की रेसिपी, वो भी सालसा के साथ। इस कुलचे के साथ हमें मटरा बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये सालसा के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें 1 चम्मच मस्टर्ड सीड सरसों के दाने ऐड करेंगे। फिर हम इसमें 1 चॉप ग्रीन चिली डालेंगे, 1 चॉप जिंजर डालेंगे, 1 चॉप ओनियन डालेंगे, सौते करेंगे इन्हें। अब हम इसमें 1 ग्रीन कैप्सिकम चॉप डालेंगे और यदि आपके पास येलो कैप्सिकम है तो थोड़ी सी वो भी डाल देंगे हाफ के करीब। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून या तो देगी मिर्च डालेंगे या रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून, और इसमें चॉप टमाटो डालेंगे 1। मैं इसमें मैगी मसाला डाल रही हूँ, यदि आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। और ये मेरा घर का बना पनीर है 200 से 250 ग्राम, ये मैं वो डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून या तो टमाटो केचप ऐड करेंगे और नहीं तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ऐड करेंगे यदि आपके पास है तो। फिर इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे या मिक्स हर्ब्स डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मिक्स करेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम सालसा बनाएंगे। इसके लिए मैंगो सालसा बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 चॉप ओनियन लिया है बारीक कटा हुआ, 1 चॉप टमाटो, 1 चॉप ग्रीन और येलो कैप्सिकम है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, और 1 चॉप मैंगो, ये भी मैंने छोटा छोटा सा बारीक काट लिया था बिल्कुल। अब हम इसमें चॉप कोरिएंडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च और 1/2 लेमन जूस स्क्वीज करेंगे इसमें। मिक्स करेंगे। और यदि आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो 1 चॉप ग्रीन चिली डाल देंगे, नहीं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। हमारा मैंगो सालसा रेडी है। अब हम कुलचे की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने रेडीमेड कुलचे लिए हैं और इस पे मेयो और टमाटो केचप को मिक्स करके मैंने डिप बना ली थी, इसे लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर। आप चाहें तो खाली सॉस भी लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे जो हमने स्टफिंग बनाई थी, और इसे दूसरे कुलचे से कवर कर देंगे। इसको कट करेंगे हम। ऐसे हम और कुलचे भी तैयार कर लेंगे इसी तरह से। पहले मेयोनीज लगाएंगे, मेयोनीज और सॉस का मिक्स, फिर उसके बाद स्टफिंग रखेंगे। और इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। अब हम इसे सैंडविच मेकर में रखेंगे, थोड़ा सा बटर लगाएंगे। और इसे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। अब हम चेक करेंगे हमारे कुलचा तैयार हैं, स्टफ कुलचा बिल्कुल। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह हम सारे कुलचे अपने तैयार कर लेंगे स्टफ कुलचा। अब हम इसे तवे पे बनाएंगे। तवे पे बटर स्प्रेड करूंगी, फिर इस पे हम कुलचे रखेंगे। इन्हें कुक करेंगे
अब हम इसकी साइड टर्न कर लेंगे। हमारे तवा कुलचा भी तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें सालसा के साथ सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।